वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। ये भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 4 है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तीन प्रकार के, विदेशी आक्रमण के समय आपातकाल, राज्य में लोकतंत्र विफल हो जाए, और तीसरा वित्त आपात, थर्ड है। तो ये तीन प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? तीन बार हो चुकी है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। पहली बार राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके समय में की गई थी? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? कभी नहीं हुई है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जून 1951। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में पंचायती राज्य अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। किसके अंतर्गत पंचायती राजक व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत के। पंचायती राज किस सूची में दर्ज है? राज्य सूची। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 40। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। योजना आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तीन बार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रगान के पूरे गीत में कितने पद्य हैं? पांच। आनंदवट किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? श्री अरविंदो ने। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसकी अनुकृति है? सारनाथ
स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की? लोक लेखा समिति को किस नाम से जाना जाता है? प्राकलन समिति की जुड़वा बहन। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोकसभा की नियम लोकसभा की नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993 में। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना, सूचना का अधिकार। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 249। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? संविधान में कहीं नहीं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है अरेबी। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तथा भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े आयोग, पिछड़े वर्ग से। तो ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। तो ये वीडियो नंबर पार्ट 4 थी। मिलते हैं अपने पार्ट 5 में। थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोस बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक